हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। मैं ऑनलाइन हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो आप लोगों को पता चला कि मैं पेंटिंग करती हूँ और मुझे पुराने दरख्त बहुत पसंद हैं। और दरख्त जब आपको पसंद होते हैं, आप चाहते हैं कि माहौल इतना खूबसूरत हो जिसमें कि दरख्त ही दरख्त हो, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? मैं किस तरह के माहौल में बैठी हूँ? गंदा माहौल है। क्यों गंदा है? क्योंकि प्लास्टिक के थैले हर जगह फैले, और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कोफ्त होती है कि मैं पाकिस्तान में जहां भी जाऊं, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस जंगल में भी जाऊं, तो वहां पे प्लास्टिक के थैलों का गंध होता। प्लास्टिक के थैले, बोतलें, आप हर किस्म का गंध वहां देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये रोक तो नहीं सकती। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं ये गंध तो खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट बैन ना करे प्लास्टिक के थैलों को और बाकी जो भी प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, तो क्यों ना जो मैं आर्ट बनाती हूँ वो मैं रिसाइकल्ड यानी कि इस्तेमाल शुदा चीजों से बना। तो ये सारा गंध जो आप देख रहे हैं वो सब मैं एक थैले में डालूंगा, क्योंकि मेरे घर में प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल होता। मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मेरे पास एक कपड़े का थैला होता है, और कपड़े के थैले में आप छोटे कपड़े के थैले डाल सकते हैं जिसमें कि आप मुख्तलिफ चीजें जैसे सब्जियां डाल सकते हैं। आप गोश्त का सिर्फ मसला होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप कपड़े के थैले से कर। तो अब मैं ये सारा जो गंध है ना, इससे मैं आपको सिखाऊंगी कुछ बनाना। उससे पहले मैं ये सारा डालती हूँ, और ये थैले में सारा डाल दिया, और मैं आपको सिखाऊंगी इस तरह की। ये क्या है? ये क्या नजर आ रहा है आपको? डॉल। मैं आपको एक डॉल, जितना टाइम है उसमें मैं आपको डॉल बनाना सिखाऊंगी। लेकिन डॉल से पहले जो मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ, वो प्लास्टिक के अलावा बहुत सारे घरों में ये होता है। आप लोगों ने कभी देखा है ये होटेल्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है। आप कभी बाहर से खाना मंगवाएं तो कभी नान इसमें पैक होता है, कभी आप स्कूल जाएं तो आपका सैंडविच इसमें पैक होता है। आपने कभी ये देखा है? टिन फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये जो है ना, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसके बारे में मैंने जो पढ़ा वो मुझे पता चला कि ये भी बहुत ही टॉक्सिक चीज है। लेकिन ये हर किचन में मैंने देखा है, हर एक इसका इस्तेमाल करता है, तो इसका भी इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। लेकिन अगर अब है तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? तो वो मैंने सोचा कि वो मैं क्या कर सकती हूँ आर्टिस्ट के तौर पे। तो ये देखो, ये खातून आपको नजर आ रही है? ये सब इस चीज से, टिन फॉइल से बना।
तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला जो एक स्टैचू सा मैंने बनाया है, इसमें दो बिल्लियां हैं और एक फूल के ऊपर है। ये भी सारा टिन फॉइल से बना। और जब मैं टिन फॉइल से काम करती हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के काम करती हूँ और मैं बाहर बैठ के काम करती हूँ ओपन में, ताकि इसकी जो भी टॉक्सिक चीजें होती है ना वो मेरे अंदर ना जाए, तहरीली चीज। अच्छा, तो इस गुड़िया बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बोतल, और बोतल के अंदर मैंने थोड़ा सा, ये देखें ये क्या है, ये बजरी है, इसमें मैंने बजरी डाली है ताकि ये जो गुड़िया है ये इस तरह से हिल की गिरे नहीं। इसका आप सर हटा देंगे और इसके लिए आपके पास ये देखिए एक पेन है जो अभी काम नहीं करता, वो गुड़िया के बाजू बनेंगे। ये आपके घर में कभी होता है, आपके अब्बा या बड़े भाई इस्तेमाल करते हैं, ये भी यूज्ड है। इसके लिए आपको फिर एक चीज जो नई चाहिए होती है, बाकी सब इस्तेमाल शुदा है, वो है टेप। और एक गत्ते का पीस था इस तरह का, जिससे कि मैंने दो छोटे गोले काटे, ये देखें ये दो छोटे गोले काटे गत्ते से, और ये कील के अंदर मैंने डाले क्योंकि ये गुड़िया की आंखें बनी। तो सबसे पहले हम लोग गुड़िया का घाघरा घाघरा ये हम पहले सबसे पहले, ठीक है। आप देखते हैं घाघरे कौन सा वाला कलर चाहिए, ये बात। इसके लिए आप पूरा थैला ले लें, पूरा इसको आप खोलें, और ये जो इसके बाजू होते हैं ना वो आप लोग काट इस तरह, ये देखिए ये जो बाजू है ये देखें, और ये गिराना नहीं है क्योंकि ये सब, ये भी सब इस्तेमाल होता है, ये देखें ये इस्तेमाल होता है, ये सब मैं इसको गिराऊंगी नहीं, ये सब मैं इस्तेमाल करूंगी। इस तरह थैला आप डबल कर लें, ये देखेंगे डबल मैंने तय, डबल डबल तय करने के बाद जिस तरह घाघरा होता है आप इसके फिर थोड़े से फोल्ड देके टेप के साथ बांध, ठीक है। ये देखें टेप के साथ इसके आप लगा, ये देखें
ये अब इसका रेस्ट हो जाए, ठीक है, घबरा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके ऊपर इसका सर बनाना। आप जरा इस तरफ हो जाए, और इस बार मैं जो है ना मेरी गुड़िया होगी वो बहुत गुस्से वाली होगी, तो उसका रंग ये होगा, ठीक है। तो एक पूरा थैला लेके, आपने एक ये वाला पूरा थैला लिया और एक और दो थैले ले लिए, बल्कि इसके लिए तीन थैले, 1, 2 और 3 शक्ल। इसको आपने इसके ऊपर ऐसे कफ कफ की तरह एक बॉल बनाई ना, बल्कि एक ही काम है, ठीक है। ये आपने एक बॉल बनाया और इसको इसके अंदर डाला और इस तरह से कस के आपने, ये देखें बॉल बनता है, इसके अंदर आपने ये रेजर डाल, इसके अंदर इसको रेजर के इर्द गिर्द ऐसे चला इस तरह, और फिर इसके इर्द गिर्द आप टेप चलाएं। ठीक है, ये अब ये जो है ना ये जाएगा होटल के अंदर, लेकिन ये वाला हम लोग काटते हैं। ये क्या हो गया, तार, और ये उसकी बॉडी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा निकालते हैं, इसके इस गेयर जो ये वाला था, मैंने आपको बताया था ना कि जो कुछ भी रहता है उसको आपने गिराना नहीं है, तो ये जो है ना ये इसके पेंसिल के इस गेयर में सारा लगाऊं, ये जो भी बचता रहा था जो सब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी टेप के साथ, क्योंकि आपके लिए टेप बहुत जरूरी है। टेप का ये देखें, यहाँ से शुरू किया मैंने और टेप तो ये आपने देखा एक पुराना पेन पड़ा था जो कि अभी काम नहीं करता, एक मेरे हस्बैंड का रेजर था जो कि वो गन में गिराने वाला था, मैंने कहा नहीं 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 गिराना नहीं है, क्योंकि आज मैंने बच्चों को सिखाना है गन से चीजें बनाना, कोई भी चीज खराब नहीं होती है, हर एक चीज का अपना इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये मैंने इसके इर्द गिर्द सारा वो टेप लगाया, और ये जो है ना ये इस तरह ये देखें, और ये भी टेप के साथ,
यानी कि ये सब बनाने के लिए आपको टेप की बहुत जरूरत पड़ती है। ये टेप ये बिल्कुल बीच में ला के टेप एक इस तरह लेके जाते हैं इसके ऐसे, और दूसरा ऐसे लेके। तो ये देखें, ये हो गया। हेलो, हाँ तो ठीक है, यहाँ से टेप आप बंद करें और इसको इसके लगा। ये देखें, ये अब जब मैं इसको अंदर डालूंगी तो थोड़ा सा आपको लगेगा है। अब इसमें क्या बनाएंगे, बाउल के लिए मेरे पास बहुत ही बड़ा ये वाला जो थैला होता है, दुनिया का सबसे खराब तरीन थैला, इससे बहुत आलू। लेकिन आप इसको बैन होना चाहिए, लेकिन अगर है तो चले इसको इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम इसको गिराएं। आपके पास पेंट नहीं है, आपके पास रंग नहीं है, तो फिर आप इस तरह से बिल्कुल पैसे खर्चते बगैर आप वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने एक इसको काटा है, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई है 8 इंच, 8 इंच, और यहां से ये तकरीबन 1.5 फुट है, 1 फुट और 6 इंच। इसको मैंने ऐसे तय किया आधे में, और तकरीबन 8 इंच की मैंने दोनों साइड से इस तरह के 3 हिस्से, यानी कि दोनों साइड से 3 हिस्से हो गए। ये देखिए, ये मेरे बाल बनेंगे और दो चुटिया। देखें, इस गुड़िया की तो एक चुटिया है, लेकिन जो ये मैं बनाऊंगी ये 2 चुटिया होंगी। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सुई और धागा, काले रंग की का धागा और सुई। आप बिल्कुल उसका सेंटर देखें, जो सर है उसका सेंटर देखें। सर का सेंटर तकरीबन ये होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग धागा लेके जाएंगे सेंटर से लेके जाएंगे, और दूसरी तरफ से निकाल। ये देखो, इस तरफ से निकल रहा है, ठीक है, इस तरफ से। और ये थोड़ा सा मुझ में जोर, चलिए अब मैंने निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अभी के लिए, और धागा करने के से पहले मैं उसकी क्या बनाऊंगी, कमीज। कमीज के लिए मुझे एक और थैला, इस तरह का सा छोटा सा थैला चाहिए, जो कि मैं फिर इसके जो ये वाले हैंडल्स होते हैं ना, उनको काट, हैंडल को काट लिया।
ये जो मेरा है इसको मैं गिरा हूँ क्योंकि ये मेरा बेल्ट पर, अच्छा बच्ची का जो कुर्ता है उसका बेल्ट, ये देखें ये भी मैं इसका हटा रही हूँ। और इसको मैं आधा कर इस एक थैले को मैं आधा करता आधा करके, आपने कभी देखा है कि जब कमीज बनाते हैं तो उसको आप इसको भी आधा कर दें, यानी कि थैले को आधा तय करके फिर दोबारा आधा तय करके एक ये इस तरह का, ठीक है, ये हमारा गला बन जाए। और इस गले के थ्रू हमारी जो ये बाजी है इसको हम खुदा ये इसका गला खोल लू, ये देखें उसका संसार जो है ना थोड़ा बड़ा है तो इसको इतना तकरीबन 3 इंच का गला गले के लिए सर जुटाने के लिए हमें काटना है। और इसके थ्रू इसका गला लेना है, ये आपने देखा। और ये वापस सॉरी, ये जो मैंने इसके सर के बालों के लिए किया था, ये अच्छा ये आ गया। और थोड़ा सा तय करके इस तरह करेंगे आप। अब जब कमीज भी बन गई है तो इसके ऊपर और ये धागा इसको निकाल के अब इसके अंदर ये देखो। और ये जो मैंने रखे थे इसको मैं बांध दूंगी एक बेल्ट की तरह, ये देखा। अब जो ये बाल है इसको ये इस तरह मैंने तय किया। अब इधर से आपको चुटिया बनानी आती है तो ये देखे मैं चुटिया बना रही हूँ। ये मैंने इस तरह के जाने के लिए मैं चुटियों के एंड में लगाऊं। और अब इस तो ये हाथ दोनों साइडों पे 3 होते हैं,
मैंने कप्स लगाई थी जिससे कि मैं चुटिया बना। ये देखो ये देखे। और इसको भी मैं इस फूल के साथ बांध दूंगी ताकि ये जरा थोड़ा सा खूबसूरत हो। तो आपको याद है कि मैंने इस फूल के ऊपर मांग के लिए वो लगाई थी। ये देखें ये इसके बाल बनने वाला। ठीक है ये मैंने आपको याद है कि इस सुई धागे से इसके बिल्कुल बीच में एक वो सुई लेकर गई थी ताकि मैं इसके बाल लगा सकूं। तो एक साइड से इधर से और फिर पीछे वाले ये देख ये अब जो धागा है उसको पीछे की तरफ से मैं वो कर दूँ। एक सेकंड मैं जरा थोड़ा सा हेलो ये देखें ये फौजिया का खत्म होगा तो उसका शुरू होगा ना। एक्चुअली आधा घंटा इसका था और आधा घंटा उसका था। ठीक है ना इसके फौरन बाद उसका शुरू होगा। जो मैंने आपको बाद में भेजा जो मैंने आपको कराची की भी है और ये भी है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इसके बीच में ले जाके इस तरह से और ये देखें गुड़िया के बाल बन गए। हेलो हाउ आर यू। और इसकी आप आंखें दिस इज अमेजिंग। आपको याद है मैंने ये आपको कहा था गत्ते से गोले काट के और एक कील तो वो आप इसकी शक्ल के अंदर डालें एक और दुखी सी है लेकिन आप इसको खुद भी कर सकते हैं। आप इसका नाप भी कर सकते हैं। आप इसकी बहुत आप इसको सजा सकते हैं। सब प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये जो आपने देखा है इसका हार है ये मैं अपना विटामिन सी जब खाती हूँ तो इसमें एक ये हर एक में गोली आती है और गोली का ये देखें ये रैपर है। रैपर को आप निकालेंगे
और इसको इस तरह से गोल करेंगे तो आप कोई भी इस तरह की कली वाला, तो ये देखें इसका एक मोती बन जाता है और उस मोती का इसका हाथ। तो अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं था, लेकिन आपने देखा कि मैंने अपने सारे गंध के साथ जो मैंने पूरा फैलाया हुआ था उससे मैंने एक गुड़िया आपको बना की थी। एक गुड़िया मैंने पहले बनाई थी और जो मेरा अपना आर्ट है उसका सारा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो टिन फॉइल है। और अगर कोई भी इस्लामाबाद के स्कूल ये सेशन देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने आर्ट के लिए जो ये वाला है, ये वाला एल्यूमिनियम फॉइल मुझे चाहिए होता है क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरी एक दोस्त है सनिया कुल, उसका एक कैफे है, तो उसने मुझे इस तरह से बहुत सारा जमा करके रखा था। और ये इस्तेमाल इस तरह इस्तेमाल है कि अगर सैंडविच इसमें हो या रोटी हो तो मेरे काम का है, उसको गीले कपड़े से साफ करके आप मुझे दे सकते हैं। अगर उस आपने बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया है या रोस्ट के लिए तो उस वो मेरे इस्तेमाल का नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्कूल के बच्चे, कितने भी स्कूल्स, आप अपने बच्चों को अगर ये एक मेरा मैसेज दें कि मुझे इस तरह का टिन फॉयल को मेरे लिए जमा करें और मैं फिर उसको अपने आर्ट के लिए इस्तेमाल। तो बहुत ये थोड़ा सा यूजफुल लगा। और आखिर में मैं एक आपको ये भी बताऊंगी, ये भी आपके जिंदगी में बहुत होता है, आप कोक या इस तरह की चीजें पीते हैं तो इससे भी ये वाले मैं फूल बनाऊंगी, एक डब्बे से ये फूल बन जाते हैं। तो प्लीज आप मेरे लिए टिन कैंस इस्तेमाल करती हूँ। और कभी भी आप बोर हो, आपके पास मुख्तलिफ चीजें पड़ी हैं, कोई थैले हैं, बोतल है, तो आप उससे अपने लिए एक गुड़िया बना सकते हैं। तो थैंक यू, आपने मेरा सेशन हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, जो जिंदगी बदल दे हमको वो निसाब चाहिए।